Giving is the master key to success in all the applications of human life. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. सूर्यपुत्र कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहा जाता था। वो अपने दान के लिए तीनों लोकों में चर्चित थे। भगवान सूर्य की चेतावनी के बाद भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए। कुरुक्षेत्र युद्ध जब हो रहा था, जिस दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध होने वाला था, उसके पहले दिन कुंती को कर्ण की याद आई और उस रात को कुंती कर्ण के शयन कक्ष गई। कुंती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसके दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन आमने सामने होंगे। कुंती को देखकर उन्हें प्रणाम करके अधीरथ पुत्र राधेय आपकी क्या सेवा कर सकता है, कहा कर्ण ने। जिसको कुंती वो कर्ण को कुछ मांगने आई है, कहा। कर्ण तब कुंती को कुछ मांगने के पहले परिचय देने के लिए कहा। जिसको कुंती वो एक अभागन है जो अपने पहले पुत्र को त्यागना पड़ा, कहा। कर्ण समझ जाते हैं कि कुंती निश्चित किसी स्वार्थवश उसके पास आई है और कर्ण कुंती को कहता है कि वो अर्जुन का जीवदान मांगने आई है तो वो करना उसके वश में नहीं है, क्योंकि उन पर दुर्योधन का कर्ज है। फिर भी कुंती को वचन देता है कि कुंती के पांचों पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन को वीरगति प्राप्त हुआ तो वो बचेगा, अगर उसको वीरगति प्राप्त हुआ तो अर्जुन बचेगा। यह सुनकर कुंती वहां से चले गई और दूसरे दिन रणभूमि पर अपने तीन श्राप के कारण अर्जुन के हाथों में कर्ण की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि कर्ण की हार से श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए थे। उसके अंतिम क्षणों में वह उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछे। जब कर्ण ने श्री कृष्ण से तीन वचन मांगे, अपने पहले वचन में कर्ण ने श्री कृष्ण से जात पात का भेदभाव खत्म करने के लिए कहा, ताकि सबको एक बराबर का दर्जा दिया जाए। कर्ण इस बात से हमेशा दुखी रहता था कि उसकी माता ने उसे समाज के सामने कभी स्वीकार नहीं की, और कर्ण को इसी वजह से सूत पुत्र यानी नीची जाति का माना जाता था। इसी कारण से द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से साफ इनकार कर दिया, और इसी कारण से ही कर्ण परशुराम के श्राप का कारण हुआ था। दूसरे वचन में कर्ण ने श्री कृष्ण को पूछता है कि जब भी वह अपना अगला अवतार लेकर धरती पर आए तो वह उसके राज्य में ही जन्म ले। लेकिन कर्ण को अगला जन्म नहीं था, क्योंकि उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ था। तीसरे वचन में कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उसका दाह संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जो पवित्र है और सभी पापों से मुक्त है। ऐसा जगह सिर्फ कुरुक्षेत्र ही था, लेकिन युद्ध में रक्तपात के कारण वो भी अपवित्र हो गया। महाभारत युद्ध के बाद ऐसा कोई स्थान नहीं होने से श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम संस्कार अपने हथेली पर कर लिए थे।